नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस हत्याकांड में एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति ने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी उसका एनकाउंटर हुआ है। पुलिस इस हत्याकांड में एक और एनकाउंटर कर चुकी है, यह इस मामले में दूसरा एनकाउंटर है। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में है। सुबह सुबह कोंदियारा थाना क्षेत्र में शूटर उस्मान चौधरी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। आरोप है कि उस्मान वही बदमाश था जिसने उमेश को पहली गोली मारी थी। पुलिस ने इस शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए 2.5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। इससे पहले उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक अन्य बदमाश को बीते 27 फरवरी को ही पुलिस ने मार गिराया था। वहीं प्रयागराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस्मान को जब लाया गया था तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसको गोली लगी थी। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की कुछ दिन पहले प्रयागराज में उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 27 फरवरी को उमेश पाल मर्डर के तीसरे दिन पुलिस SOG और क्राइम ब्रांच ने एक हमलावर अरबाज का एनकाउंटर कर दिया। धूमनगंज इलाके के नेहरू पार्क में हुए एनकाउंटर में अरबाज को मार गिराया गया था। वह हमले में इस्तेमाल हुई क्रेटा कार को चला रहा था। पूरा मुफ्ती के सल्लाहपुर निवासी अरबाज अतीक अहमद के बेटे असद का ड्राइवर था। गौरतलब है कि बीते महीने 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल को बीच सड़क से दौड़ाते हुए गली के अंदर तक घर तक गोली मारी गई। फिल्मी स्टाइल में हुए इस हत्याकांड में कार और बाइक से आए अपराधियों ने फायरिंग के साथ ही बमबाजी भी की। एक शूटर बगल की दुकान में एक ग्राहक बनकर इंतजार में था। इसके पीछे अतीक अहमद गैंग की भूमिका सामने आई। CM योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र में आग बबूला होते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।